ये रुदाना वाला एरिया है और यहाँ पे अभी रोड का काम चल रहा है। अपने पास गोप्रो है नहीं तो फिलहाल फोन से ही अपना व्लॉग शूट करते हैं। शूटिंग के लिए मुझे एक दिन पहले ही बुलाया, इसके लिए मैं अभी शाम के टाइम पे घर से निकला हूँ और मैं अपने आसपास में देख रहा था मेरे साथ कोई आएगा क्या मेरा दोस्त, तो कोई मिला नहीं मुझे, तो फिलहाल मैं अकेले यहाँ पे सफ़र के लिए निकल चुका हूँ। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एरिया है जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत नया है, मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो गाइस हेलो जी नमस्ते, वेलकम बैक टू ब्रेन फुजड़ास व्लॉग गाइस। और आज मैं आ गया हूँ जवार में, तो गाइस फिलहाल मैं जवार में हूँ मेरे दोस्त विशाल भाई की GT650 लेके। कल हमारा एक सॉन्ग शूट है, तो सॉन्ग शूट के लिए मैं कल ही आ जाता लेकिन कल मुझे उमर को इससे यहाँ पे आना था तो थोड़ा टाइम हो जाता, अपना जो सॉन्ग है वो ठीक से फिर हो नहीं पाता, तो मैं एक दिन पहले ही यहाँ पे आ चुका हूँ। अभी मैं फिलहाल ये लोकेशन पे हूँ, ये जो जवार की लोकेशन है ये वाली, तो ये एरिया में हूँ फिलहाल मैं। यहाँ पे अब मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ, तो अभी यहाँ से चलते हैं आगे, मिलते हैं हमारी पूरी टीम से। उससे पहले आप थोड़ी ये जवार के सीन चेक करें गाइस। तो बॉयज ये जो मेरे पीछे बैग दिख रहा है इसमें फिलहाल मेरे कपड़े और एक जोड़ी शूज है, मैं कुछ ऐसा हेलमेट पहना हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अभी हमारा आगे का सफर। ओ माय गॉड क्या फील है, ये बाइक के साथ अपना शेडो बहुत खतरनाक दिख रहा है गाइस, चेक दिस आउट। ये बाइक चलाने में जो फील आ रहा है गाइस क्या ही बोलूं आप लोगों को, रास्ते में जो कोई भी देख रहा है एक बार तो इसे मुड़ के देख ही रहा है। जवार के थोड़ा आगे ये जो लोकेशन है यहाँ पे मैं हूँ फिलहाल ये वाले लोकेशन पे, और मुझे अभी थोड़ा और आगे जाना है तो चलते हैं गाइस। बॉयज फिलहाल में ये जो साखरी नाम का गांव है यहाँ पे हूँ और यहाँ पे शादी हो रही है, मैं सोच रहा हूँ जाके थोड़ा खाना खा लूँ, भूख भी लगी है, पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें आगे जाना है और हमें रास्ता पता नहीं है, तो रात ना हो जाए हमारे जगह पे पहुँचने से पहले। मुझे यहाँ पे आते आते अभी शाम ढल चुकी है आप देख सकते हो, और यहाँ पे कहीं भी अगर 3-4 रास्ता होता है तो मैं किसी न किसी से पूछ लेता हूँ कि मुझे वाड़ा जाना है, पर वो मराठी में बोलता हूँ कि साहब माला वाड़ाला जायचा है, रास्ता तुम्हाला माहित है क्या, तो ऐसे थोड़ा हल्का सा अपना गुजराती वाला और मराठी थोड़ा मिक्स करके ऐसा कुछ बोल लेता हूँ। वो जो मेरे आगे जा रहा है स्प्लेंडर वाला, उनसे मैंने पूछा कि वाड़ा जाना है, तो उन्होंने बोला कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ मेरे पीछे आ जाओ, तो गाइस मैं उन्हीं को फॉलो करके यहाँ तक पहुँच गया। फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, साईनाथ मुझे आधे रास्ते में मिल गए थे। लंबे सफर के बाद मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा नहाने के लिए,